अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा। अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा, तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है मेंट फॉर समथिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग मैन। लेट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स स्पीक्स एंड फाइट योर केस, लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीजगी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र, इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं हुई सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुजदिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे, काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा।